अच्छा कौन बुरा, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद ये बात पता चल गया कि वो देश विरोधी है, और इसके बाद वो सपोर्ट में, जैसे कि आप चाइना का बात कुछ कर रहे थे, हमारे कन्हैया, हम बिहार से हैं और कन्हैया को सपोर्ट वो कर रहे हैं। कन्हैया क्या बोलते हैं कि सेना रेप करती है, उसके घर में 19 सेना में काम करने वाले हैं, तो 19 रेपिस्ट है उसके घर में, अब जवाब पहली बात, और उसको सब हीरो बनाए हुए हैं, चाइना से सपोर्ट उसको भी हो रहा है, पूरे तरह से आप लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, बेरोजगारी मैम बताई कि यूपी में इतना प्रॉब्लम है, ये है अभी तो बीजेपी सरकार आए 5 साल भी नहीं हुई है, पूरा जिंदगी तो आप लोगों ने राज किया है, ये बता रहे बसपा का ऑप्शन है, अपना मूर्ति बनवाने लगे, आप रानी कहीं की थी क्या? आपने कहा, मेरा सवाल सपा और कांग्रेस दोनों से, पहले मैं सपा से पूछूंगा कि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2 साल गठबंधन चला नहीं, 2019 में आपने बसपा का ले लिया, क्या आपने अपने सरकार में इतने काम नहीं किए कि आप अकेले चुनाव लड़ सके, और 2022 में आप किसके साथ गठबंधन करेंगे? पूरा टोटी ले जाने के बारे में भी पूछ लीजिए। मैं टोटी का जवाब, जीजा साला के लिए जो कंपनी आज से 50,000 से शुरू हुई, आज पूरे गुड़गांव एनसीआर, पूरा एनसीआर में अकेला एक आदमी अरबपति बन गया, उससे क्या देश का भला होगा क्या? इसका सवाल ये देंगे किसानों को, तो ये चुनावी जुमला है या फिर ये कहां से देंगे, इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और आप सब विरोध में आर्मी ने लिया एक्शन, आप तो उसमें भी सहमत नहीं थे, कितने मारे काउंट करो। आर्मी का जो काम है वो काबिले तारीफ है, लेकिन विपक्ष उसमें भी उनकी, आप सुनिए बात को, आप देखिए वो कैलिबर, एक मिनट सर, वो कैलिबर, वो क्षमता इस देश की आर्मी की है, उनको सलाम। लेकिन हाथ में एक तस्वीर है, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो, इसका टाइटल क्या है, हम निभाएंगे, मतलब अभी तक नहीं निभाते थे, खुद राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया, इसलिए मेरी प्रथम बधाई तो उनको है कि उन्होंने सच बोला, उन्होंने कहा ये मैनिफेस्टो ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार कांग्रेस के लोगों ने कमरे में बैठ के नहीं बनाया है, जनता के बीच जाके बनाया है, और पहली बार उन्होंने दूसरी बात कही इसलिए भी ऐतिहासिक है कि इसमें जो वादे किए जा रहे हैं वो जमीन पे उतारे जा सकते हैं, तो 55 साल के वादे हवा के वादे थे, उसका परिणाम देश की जनता ने देख लिया। तो मुझे इस मैनिफेस्टो के बारे में आप जागरूक जनता से यही कहना है कि अगर उठा के पढ़ो तो छोड़ दो एक मिनट के लिए आर्मी की बात, आतंकवादी को बिरयानी खिलाने की बात, ऐसे 18 वादे उन्होंने अपने पुराने मैनिफेस्टो से उठा करके इस मैनिफेस्टो में लिखा है। यदि बात ये कह रहे हैं सही भी हो सकती है, और जो बात ये कह रहे हैं वो भी सही हो सकती है, लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूं खास करके इस कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में, और आपके बिल्कुल जहन में बिठा देना चाहता हूं कि कल जो ये आज बोल रहे हैं यहां इस मंच से, अगर ये मैनिफेस्टो लागू हो गया तो इनको इसकी आजादी नहीं होगी। काट कर मेरी जुबां वो कहता है कि अब तुम्हें आजादी है हाले दिल सुनाने की, ये है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। इस मैनिफेस्टो में क्या कहा गया है, अगर तुम देशभक्त हो, अगर तुम राष्ट्रभक्त हो तो तुम्हारी जगह जेल है, अगर तुम सेना में काम करते हो और देश के रक्षा के लिए हथियार उठाते हो तो तुम्हारी जगह जेल है, अगर तुम स्वतंत्रता की बात करते हो तो तुम्हारी जगह जेल है, लेकिन हाँ अगर तुम पत्रकार हो, अगर तुम प्रेस में काम करते हो, अगर तुम बोलने की आजादी मांगते हो तो हम प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत तुम्हें जेल पहुंचाएंगे। तो ये जो बोल रहे हैं ये बोलना कांग्रेस को मंजूर नहीं है, और ये खतरनाक संदेश है कि आतंकवादियों को छूट, देशद्रोहियों को छूट, और राष्ट्रद्रोहियों के जुबान पे ताला लगाया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। साथियों यही इंदिरा गांधी की सरकार है, प्रेस बिल, काले अध्याय, सकल प्रेस के कारण, इमरजेंसी कितने गिनाऊं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कहा था बोलने की आजादी हमारी सार्वभौमिक आजादी है और कोई भी सरकार और कोई भी सत्ता इसको हमसे नहीं छीन सकती। इस्लामिक धर्मगुरु बता रहे थे मैं कल की एक जो विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कल इस देश में घटी है, देवबंद
जो सारी दुनिया में आतंकवाद के आका हैं, धर्मगुरु हैं आतंकवाद के, इस्लामिक जिहाद के, उन्होंने कल भारत में आईएसआईएस की आधिकारिक घोषणा की है। लेकिन एक भी मुस्लिम धर्मगुरु को वो मैटर कभी भी ये नहीं लगेगा कि वहां हिंदू मुस्लिम कोई मैटर हो सकता है। 90 करोड़ लोगों के कत्लेआम का रोडमैप कल इस देश में तैयार हुआ, और ये हम सबका दुर्भाग्य है कि कोई भी उस घटना पर ध्यान नहीं दे रहा। नेताओं को तो इतनी तमीज नहीं है, और धर्मगुरु बेहोश पड़े हुए हैं। आज अगर ये बात अमेरिका में होती तो पूरे अमेरिका में केवल इसी के बारे में डिबेट हो रही होती, और लोग यहां बैठकर चैनलों पे हमें हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाते हैं। एक तरफ हमारे कत्ल की तैयारी, दूसरी तरफ हमें हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाते हैं। सुनील साजन साहब, अखंड सुनील साजन साहब, क्या राजनीतिक मजबूरी है कि ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाती है? चुप्पी साध ली गई नहीं, कहे की राजनीतिक मजबूरी। अगर देश के खिलाफ कोई बात है, हालांकि इनके कहने से तो कोई बात हो नहीं जाएगी। अरे आप अखबार नहीं पढ़ते, आप टीवी नहीं देखते क्या? जानता भी नहीं हूँ। इतने भयंकर मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर ये भारत के संस्थाओं का मौन ये विनाश को, महाविनाश को आमंत्रित कर रहा है। और जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं बड़े विनम्र रूप से इनसे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सन्यासी हूँ मैं, स्वतंत्र सन्यासी हूँ मैं, किसी पार्टी का नहीं हूँ। लेकिन धर्म के अस्तित्व के लिए, मानवता के अस्तित्व के लिए आज कल की घटना पर अराजनैतिक होकर हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, वरना महाविनाश जो यहाँ आ रहा है। देखिए अनुराग जी, मैं एक बात सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब सब लोग मुस्लिम मौलानाओं के तलवे चाटते हैं तब लोगों को यह ध्यान क्यों नहीं आता? क्या आप सोचते हैं कि 100 करोड़ लोगों का कोई नेता नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ लोगों की भावनाओं की कोई कदर ना करे, 100 करोड़ लोगों को एकदम इग्नोर कर दे, जैसा कल आईएस तैयार हो गया भारत में 100 करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़ दे? अरे अगर आप इतने 100 करोड़ लोगों का वैक्यूम छोड़ देंगे तो वो अपने आप एक अनार्की पैदा कर देंगे। आज उनकी भावनाओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब वो लोग राम जन्मभूमि मानते हैं तो ये राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं होता। राजनीतिक राजनीतिक पार्टी तो को पार करती है हिंदू जनभावनाओं का सहारा लेकर। मैं सभी नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं, धर्म को धोखा मत दीजिए, धर्म को धोखा देने वाले कभी नहीं बचते, और धर्म को राजनीति के लिए कौन धोखा दे रहा है, कौन धोखा दे रहा है? मैं तो सारी राजनीति से बहुत थका हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो सारी राजनीति के राजनीतिक ड्रामों को देख रहा हूँ, किस तरह से ये लोग विनाश सीख रहे हैं। ठीक है सुनील साजन साहब, आपने कहा कि बीजेपी धोखा दे रही है, बीजेपी धोखा दे रही है, लेकिन जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, कब्रिस्तान के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन आप देते हैं, आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, आप ये जब सत्ता में आते हैं तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बजट में 80% का इजाफा करते हैं, धर्म को धोखा देने की कोशिश या धर्म के नाम पर सियासत करने की कोशिश क्या आपने नहीं की? और राहुल गुजरात सुन लेते हैं, मंदिरों में और साजन साहब कहते हैं, सुनील साजन साहब कौन सा काम किया जहां धर्म का बंटवारा होता है? मैं वही कह रहा हूं अनुराग जी, हमारी सरकार का माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे या नेताजी मुख्यमंत्री थे तो कोई एक काम बता दीजिए जब हमने धर्म के आधार पर काम किया हो। आपने अल्पसंख्यक कल्याण के विभाग का 80% बजट का इजाफा किया, ठीक तब जवाब सत्ता में आए, कुंभ का आयोजन 1500 करोड़ में हो रहा है, कब्रिस्तान की चार दीवारी के लिए 1300 करोड़ रुपए, गाजियाबाद के हज हाउस के लिए 51 करोड़ रुपए। सुनील साजन साहब लिस्ट काफी लंबी है। देश जो है, देश और देश का मुसलमान या हिंदू या सब एक और एकता और भाईचारे के साथ रहे, ना नरसिंहा जी के कहने से कोई वो हो जाएगा ना मेरे कहने से होगा। मगर देवबंद जो मेरी सुन लीजिए, पहले मैं आपसे बात कह रहा हूँ, जरा सुन लीजिए, आप इसमें मेरी बात चले, देखिए आपकी सारी बातें हमने सुनी, आप जरा सुन लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जिम्मेदार पार्टी के घोषणा पत्र में आर्टिकल 124A को समाप्त करने की बात होती है, अपस्था को समाप्त करने की बात होती है। मैं समझता हूं कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और देश घातक घोषणा पत्र है जो देश की एकता और देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है, चोट ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि गहरा आघात पहुंचाने वाला उनका ये सोच है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमारे देश की जनता इससे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और इस तरह के जो विघातक बयानबाजी हो रही है, यहां तक भी एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि दो प्रधानमंत्री होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश का अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए,
मैं समझता हूं कि ये पराकाष्ठा है और इसलिए देश की जनता इनको लोकतांत्रिक तरीके से बेहतर जवाब इस चुनाव में देगी। और ये जो सपने देख रहे हैं कि हम इस बल पर अपना वोट बैंक स्थापित कर लेंगे, सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनका ये दीवा स्वप्न होगा और उनके मंसूबे कभी भी ये देश पूरा नहीं होने देगा। में जो चुनाव होते हैं वो एक उसका अभिन्न भाग होते हैं और एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है जिसमें सारे राजनीतिक दल भागीदारी निभाते हैं। लेकिन कोई भी अगर राजनीतिक दल अगर अपने घोषणा पत्र में अगर देश की अखंडता और एकता से जुड़े हुए जो चिन्ह हैं उन पे प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगाने की कोशिश करता है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो देश की संप्रभुता से जुड़े हुई चीजें हैं उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक कुठाराघात किया है। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को लगाए रहने की बात करी गई है, जिस तरह से धारा 124A को हटाने की बात कही गई है, ये बात ध्यान में देने की है कि जिसको हम ज्यादातर एक आम भाषा में सेडिशन लॉ के नाम से जानते हैं, उस सेडिशन लॉ का अगर आप कहीं इतिहास देखने का प्रयास करें तो 1950 में सबसे पहले जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय यह कांग्रेस पार्टी ही थी जब एक राष्ट्रीय पत्रिका ऑर्गेनाइजर के ऊपर इसे सबसे पहले लगाया गया था। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपनी राय में कई आर्टिकल लिखे थे, कई चित्र छापे थे और कार्टून लगाए थे, उनको हटाने के लिए उनके ऊपर ये लगाया गया। आए हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूं। 2004 के और 2009 के अपने मैनिफेस्टो ने हर बार कांग्रेस कुछ वादे करती रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा 8 करोड़ टॉयलेट बनाने के लिए, देश को बताने के लिए कि स्वच्छता के अभियान की जरूरत है। ये बोलते गए कि हम हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने के लिए। 55 साल में 14 करोड़ घरों में एलपीजी पहुंची और केवल 3 साल में 10 करोड़ से ऊपर घर में एलपीजी पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा उज्ज्वला के माध्यम से। अब मैं आती हूं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे। अगर इनका मैनिफेस्टो देखें तो ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी के जमाने में ही ये मैनिफेस्टो बनाया है। 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ और आज इनके पोते उसी नारे पर अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में गरीबी हटाना इनकी मंशा होती या इच्छा होती तो शायद हम इन पे बिलीव करते और मैं भी जाके इनके लिए वोट करती। लेकिन ये आंकड़ा सुनिए, राहुल गांधी जी के एसेट्स, उनकी संपत्ति 2004 से 2014 के बीच में 1600% बढ़े। 55 लाख में उनके एफिडेविट में था 2004 में, 2014 में वो जाकर 9.5 करोड़ हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है दर्शकों कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस पे चेक भी लगाया गया, लगाम भी लगाई गई और अच्छे दिन अगर किसी के खत्म हुए तो राहुल गांधी के। केवल 70% 5 साल में इसके एसेट्स बढ़े। तो ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। ए को समाप्त करना या राष्ट्रद्रोह की धाराओं को समाप्त किया जाना, ये वो घोषणा जरूर कर रहे हैं, अपने मंतव्य को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी धाराएं कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती हैं। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ बोले, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको कोई अपमानित करे, हमारी संसद को कोई अपमानित करे, हमारे राष्ट्रीय चिन्हों को कोई अपमानित करे, हमारे राष्ट्र मानबिंदुओं को अगर कोई अपमानित करे, मैं समझता हूं कि उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जो ये ख्वाब देख रहे हैं, जो जिस तरह से ये बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 124 को समाप्त कर देंगे, 124 को हम किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का काम कोई करने की सोचता है, करने का प्रयास करेगा, तो उसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा और इस धारा को समाप्त नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, अगर अजय जी की बात और गीता जी की बात की जाए, और मैं नेहा जी को भी लूंगा आड़े हाथ,
कि सिर्फ नेशनलिज्म पे, फेक नेशनलिज्म पे पूरे इलेक्शन को लेके आना चाहते हैं। आपके आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो मुद्दे हैं, जो नहीं 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 उसके आज जो नहीं नहीं आज आज जो ये बात की बात में आज जिस तरह से आपके मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, और भाजपा सिर्फ और सिर्फ क्या भाजपा पांच साल क्या आप लोगों की अपेक्षा थी कि सिर्फ टॉयलेट पर गैस कनेक्शन आए? आजाद ग्राम कहाँ गए? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? फार्मर साहब न्यूनतम प्राइस कहाँ गया? इकोनॉमी का हाल क्या हुआ? हस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप। आप सभी मेहमानों से अपील है कि वो कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखें। नेहा जी, जी आपकी सरकार है, पांच साल आप में चले, सिर्फ टॉयलेट बनाने का अचीवमेंट बता दीजिए जी, बस पांच और बस यही दो काम, बस यही ये पांच साल में ये दो काम के लिए पांच साल में टॉयलेट और गैस कनेक्शन दे दिया। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। आपने गरीबों का पैसा, इन्होंने कितनी शानदार बात कही कि हमने ये किया। इनकी बता रहा हूँ कैसे मेक इन इंडिया का, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और चाइना से इंजीनियर आए, चाइना से लोहा आए, चाइना से मशीनरी आई, और मेक इन इंडिया के नाम पर आपने देश की जनता को लूटा है। स्किल इंडिया ये नाराज था, आपने लूटा देश की जनता को। स्किल इंडिया मेक इन इंडिया बिल्कुल सही बेकार। आई थैंक यू आपका। अच्छा सुनो, स्किल इंडिया बेकार, मेक इन इंडिया बेकार, मुद्रा योजना बेकार, कुशल भारत योजना बेकार, सारी मीडिया इतनी पढ़ाई करने के बाद वो है पेरेंट्स से जो इतने रुपए लेकर के यहाँ आने के बाद क्या आप लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं? अरे आपने कितने गरीबों का भला किया आपने? अब ये बात बताइए, पूरे देश को गरीब बना दिया आपने? नहीं, इस वक्त इस वक्त अरे सुन लो भाई साहब, इस वक्त सुनिए सुनिए एक बात बताओ, अरे सुन लो भाई साहब एक सुन, अरे सुन तो लो भाई साहब, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, सुनो। इस वक्त बेरोजगारी हाईएस्ट लेवल पर है, इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की आजादी से लेके अब तक सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। आपने मसला ये है, मैं नहीं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, आप देख लें। आपने बीएसएनएल के पास इस वक्त कहना चाहूंगी, शोर कापे, चमचे कापे, कापे हर गद्दार, देश का कल्याण बोल रहे हैं भी चौकीदार। इन्होंने कहा था, सुनिए आपने कितने भ्रष्टाचारियों को अंदर भेजा, जितने चोर थे सब देश छोड़ के भाग गए, बिना माल्या हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग गया, मेहुल चौकसी हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग गया, आपने यही हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग गया। एनएसओ का डाटा मांग रहे थे तो सारे बाई इलेक्शन आप क्यों हार गए? एनएसओ का डाटा दिए आज तक आप, 55 साल आपकी सरकार रही, गरीबी हटाओ का नारा था जी, इतनी बार है ना लोग थे, कभी तो आपको इतनी बार सरकार चलाओ, आप सवाल पूछा विपक्ष से, ये क्या बात हुई? सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? भाजपा की मानसिकता बयान जाहिर होती है, इन्होंने गरीबी इतने करीब से देखी है कि अब पूरा देश को गरीबी का तजुर्बा करवा रहे हैं कि आप लोग भी गरीब हो जाओ और देखो कि कैसे गरीब महसूस करता है। ये है आपका मामला, क्या आपने गरीबी इतने करीब से देखी है कि अब पूरे देश की जनता को गरीब बनाकर आप उसका अनुभव कराना चाहते हैं कि देखो गरीबी ये होती है? पार्टी के नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, वो मुझे चाल चरित्र चेहरा सिखाएंगे। जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही है, पार्टी के नेता से भाषा खराब है, एक लड़के लड़के हैं, जिस पार्टी के महिला पार्टी के नेता, जिस पार्टी के नेता कहते हैं कहते हैं शशि थरूर की गर्लफ्रेंड 51 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, वो प्रधानमंत्री दोस्तों इनके लिए ऐसी भाषा है।
एक बात बताइए आप लोग कहते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो आर्मी मोदी सेना है, बीजेपी और अलायंसेस को इसलिए तकलीफ इंडियन आर्मी है, गरीबी की बात कर दी है, हर गरीब परिवार को मोदी सेना बताते हैं इंडियन आर्मी आपने वादा किया था 15 लाख का, हर शहरी हर नागरिक को 15 लाख हटाएंगे। आप तो कांग्रेस देने वाली है, आपको लग रहा है कि ये तो हमारे हाथ से सत्ता जारी है, आप मैनिफेस्टो और मिडिल क्लास का भाग है, हम ईमानदारी से अपना टैक्स पे करते हैं। सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, आप सेल्फिश हैं, टैक्स बढ़ाया जाएगा आप पे। अरे मिडिल क्लास जीएसटी लगा के आपने हस्तक्षेप। एक मिनट, बड़ा गरीबी से इनको बड़ी हमदर्दी है, सुनते क्यों नहीं है फिर आप मुझे क्यों सुनिए, आप ही नहीं है भाई साहब, सुनना तो है नहीं, आपको भी हमदर्दी है क्योंकि गरीबी की गरीबों से हमदर्दी नहीं है, ये चुनावी सगुफा है, सुनने आपका सगुफा है, चुनावी सगुफा आप लोगों का। गरीबी कैसे हटाएंगे राहुल गांधी, पढ़ा मैनिफेस्टो, आपने 5 साल छोड़ दीजिए, आपने भारत देंगे, आपने की जनों का हम स्वाविलंबी भारत की जनता पैसे कमाने के लिए रोजगार करने के लिए कांग्रेस पार्टी का पंजे की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछे तो सुन लीजिए भलाई जी, एक बात बताएं, अगर कांग्रेस पार्टी अगर न्याय योजना को लागू करेगी तो क्या जितनी कल्याणकारी योजनाएं जो अभी चल रही हैं क्या वो साथ साथ चलेंगी, क्या उन्हें बंद कर देंगे, उसको हम पे टैक्स लगाएंगे, हमें ज्यादा जॉब टैक्स हमें देना पड़ेगा, और यहाँ से आएगा दिल्ली से ये कह रहे हैं। बताइए कि 2017 दोनों ही बराबर है, आपने दिया ना, ये चोरी की बात करते हैं, इनकी चोरी खुल गई 2022 तो में आप जगह नहीं मिलेगी, लड़ेंगी क्या, आपने इतना भी अच्छा काम नहीं किया, आप अकेले चुनाव लड़ सके, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन आज जनता की पुकार थी कि हम इकट्ठे होकर सब विपक्ष उतरे, इसलिए हम इकट्ठे होकर आए। 2017 में आपने जो है 2017 में हम कांग्रेस के साथ गए थे, ठीक, अभी जो है 2019 में हमारा बसपा का और आरएलडी का है, इसके पहले जो 3 उपचुनाव हुए थे आपने देखे थे, उसमें भी हम तीनों साथ मिलकर उतरे थे, और वो भी जनता के कहने पे, और आज भी जनता की यही मांग है कि हम इकट्ठे होके उतरे। उत्तर प्रदेश जो है नौजवानों का प्रदेश है, जिसको हम यंगेस्ट स्टेट बोलते हैं, यहां पे बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, किसान बेहाल है, किसानों की भुखमरी हो रही है, बच्चे उधर कोई सेफ नहीं है, बच्चियां कोई सेफ नहीं है, आज की क्या हालत है उत्तर प्रदेश की आपसे छुपी नहीं है, इसलिए हमारी आज की ये मांग थी कि हम सब इकट्ठे होकर इस सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ उतरे, और इसलिए हम उतरे हैं। राहुल जी ने भी बोला है 72,000 रुपया पर ईयर देंगे किसानों को, तो ये चुनावी जुमला है या फिर ये कहां से देंगे, इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और आप सब मुझे लगता है मीडिया से संबंध रखते रखते साथ के साथ थोड़ा बहुत फाइनेंस और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते होंगे, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते होंगे। देश की जो आज जीजा साला के लिए जो कंपनी आज से 50,000 से शुरू हुई, आज पूरे गुड़गांव एनसीआर पूरा एनसीआर में अकेला एक आदमी अरबपति बन गया, उससे क्या देश का भला होगा क्या, इसका सवाल सुनिए। अब जवाब ले लीजिए। देखिए दो जवाब है, आपने कहा चलिए आपने आपका इशारा था जीजा साला, वो यहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर दूसरे देश में नहीं ले गए, अगर आप मानते हो कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया जो अभी तक नहीं किया, सुनिए अरे सुन तो लीजिए अभी सुनिए, आप देखिए मेरा से सवाल पूछा गया है, काउंटर क्वेश्चन नहीं, अभी पहले सुनिए, देखिए मेहुल चौकसी यहाँ से हजारों करोड़ रुपए लेके चला गया गाना की मेंबरशिप, हजारों करोड़ का मालिक बना हुआ है, आप मेरे को जवाब भी नहीं, यानी यही तो भाजपा ने किया है, भाजपा ने किया क्या है कि आप इनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, आप इनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, आप कहां जाएंगे जब बाकी भ्रष्टाचारियों के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, सारे भ्रष्टाचारी तो देश छोड़ के भगा दिया आप लोगों ने, आ रहे हैं एक एक करके वापस आ रहे हैं, चिंता धैर्य रखिए। जवाब मैं दे देता हूँ,
वो करें तो रासलीला और इधर कुछ हो जाए तो करेक्टर ढीला। जनता धोखे में कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद ये बात पता चल गया कि वो देश विरोधी है। और इसके बाद वो सपोर्ट में, जैसे कि आप चाइना का बात कुछ कर रहे थे, हमारे कन्हैया, हम बिहार से हैं और कन्हैया को सपोर्ट वो कर रहे हैं। कन्हैया क्या बोलते हैं कि सेना रेप करती है, उसके घर में 19 सेना में काम करने वाले हैं तो 19 रेपिस्ट है उसके घर में, पहली बात। और उसको सब हीरो बनाए हुए हैं, चाइना से सपोर्ट उसको भी हो रहा है, पूरे तरह से आप लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, बेरोजगारी मैम बताई कि यूपी में इतना प्रॉब्लम है, ये है अभी तो बीजेपी सरकार आए 5 साल भी नहीं हुई है, पूरा जिंदगी तो आप लोगों ने राज किया है। ये बता रहे बसपा का ऑप्शन है अपना मूर्ति बनवाने के लिए, आपकी रानी कहीं की थी क्या? सुनिए, आपने कहा कन्हैया कुमार को, आप कहते हैं देशद्रोही है, तो ये सत्ता में बैठे हुए जेल में क्यों नहीं डाला उसको अभी तक? अगर वो देशद्रोही है तो इन्होंने क्यों नहीं डाला? अनुमति आप नहीं, आप नैरेटिव स्टार्ट करते रहिए, आप धारणा बनाते रहिए कि वो देशद्रोही है, आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अपराधी आप नहीं कर सकते, राहुल गांधी ने कौन दिया? आपको करना चाहिए, आपको ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ आप किस सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं? और कन्हैया कुमार पैदा हो जाए तब आप कार्रवाई करेंगे, कन्हैया कुमार जैसे और लोग पैदा हो जाए तब आप कार्रवाई करेंगे? आप बताइए आप कब कार्रवाई करेंगे? जब कन्हैया कुमार जैसे और लोग पैदा हो जाएंगे, ऐसे और देशद्रोही पैदा हो जाएंगे? देखिए आप इनसे जो भी वैचारिक विरोध करेगा ये उसको आतंकवाद का समर्थक बना देंगे या देशद्रोही बना देंगे? बिल्कुल नहीं, आप जो भी वैचारिक विरोध करता है आप उसको आतंकवाद का सर्टिफिकेट देंगे या देशद्रोही का सर्टिफिकेट देंगे? आप मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, 55 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? मोदी सरकार तो 5 साल से आई है, और अब मैं बताऊं मोदी की, उन्हें तो वो करना चाहिए अभिनंदन सिंह पाकिस्तान में चले गए तो पाकिस्तान से लेकर आ गए, और बताओ क्या चाहिए मोदी सरकार? जिस गली में निकलते टॉयलेट जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि जिनेवा कन्वेंशन अगर आप पढ़ेंगे तो POW जो प्रिजनर हुआ है उसके साथ। आप सुनिए कांग्रेस ने क्या किया, आप सुनिए, आपके हाथों में जो मोबाइल है ना, ये कंप्यूटर क्रांति लेकर आने वाले राजीव गांधी जी थे, देश को एम्स देने वाले कांग्रेस है, देश को आईआईटी। विरोध में आर्मी ने लिया एक्शन, आप तो उसमें भी सहमत नहीं थे, कितने मारे काउंट करो। आर्मी का जो काम है वो काबिले तारीफ है, लेकिन वो, लेकिन विपक्ष उसमें भी उनकी, आप सुनिए बात को, आप देखिए वो कैलिबर, एक मिनट सर, वो कैलिबर, वो क्षमता इस देश की आर्मी की है, उनको सलाम, लेकिन मोदी सेना की नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपने चुनावी भाषण में कह रहे हैं कि मोदी सेना, आप भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं, देश से बड़े कोई नहीं थी इंदिरा की सेना। और दूसरी बात ये भी है, और अगर हम आपने जवाब दे, मैं जवाब आपसे, देखिए सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सेना सबकी है, सेना भारत वर्ष की है, किसी भी राजनीतिक दल सेना का राजनीतिकरण नहीं होना। राजनीतिक दल हैं, उन सभी से ये आशा है, अपेक्षा है कि वो एक सकारात्मक राजनीति करें, अच्छी बातें सामने लाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने घोषणा पत्रों में ही, लिखित में, अगर आप इस देश की जनता के सामने अगर आप ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देश की संप्रभुता के ऊपर अगर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हर चुनावी पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करने से पहले आप ये देखें कि वो इन बुनियादी मुद्दों पर कितने काम करने को तैयार है। अगर ये सारी चीजें, तभी तो राष्ट्रवाद होगा, तभी तो देश होगा, हमसे देश है और हम देश से हैं, ये मुद्दा बना देना कि देश के खिलाफ एक कोई। सो आप सब स्मार्ट हैं, आप सब युवा हैं, मेरी बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं, आप सब में अच्छा विवेक है, आप खुद तय करेंगे, किसी के बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने वाला और देश की एकता अखंडता को साथ में रखने वाला ऐसा नेता देश को चाहिए, और आपको पता है कि वो विकल्प क्या है। आप जो नौजवान हमारे भाई बहन यहां बैठे हुए हैं, आप इस देश के वर्तमान हैं, आपकी अगली पीढ़ी यहां का भविष्य होगा, हमें ये देखना है, हमें एकता में ही समन्वता है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, राजनीति में ज्यादा न बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको ये देखना चाहिए आपको शिक्षा, आपकी सुविधाएं, आपका भविष्य कौन मजबूत दे रहा है,
कौन सा नेता, कौन सी पार्टी, किस पे आपको विश्वास है, आप उसी के साथ चले, राजनीति के ऊपर उठे और आपका भविष्य जो है यहां जब हिंदुस्तान की बढ़ेगा तब आप बढ़ेंगे। सिर्फ बातों से, वादों से आपका कुछ नहीं भविष्य बढ़ने वाला है, इसलिए आप देखें यथार्थ क्या है, उसके हिसाब से आप अपना फैसला लें, किस पार्टी को आप वोट देंगे, 19 में किसको चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए साथियों, मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो, इसका टाइटल क्या है, हम निभाएंगे, मतलब अभी तक नहीं निभाते थे, खुद राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया, इसलिए मेरी प्रथम बधाई तो उनको है कि उन्होंने सच बोला। उन्होंने कहा यह मैनिफेस्टो ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार कांग्रेस के लोगों ने कमरे में बैठ के नहीं बनाया है, जनता के बीच जाके बनाया है, और पहली बार उन्होंने दूसरी बात कही इसलिए भी ऐतिहासिक है कि इसमें जो वादे किए जा रहे हैं वो जमीन पे उतारे जा सकते हैं। तो 55 साल के वादे हवा के वादे थे, उसका परिणाम देश की जनता ने देख लिया। तो मुझे इस मैनिफेस्टो के बारे में आप जागरूक जनता से यही कहना है कि अगर उठा के पढ़ो तो छोड़ दो एक मिनट के लिए आर्मी की बात, आतंकवादी को बिरयानी खिलाने की बात, ऐसे 18 वादे उन्होंने अपने पुराने मैनिफेस्टो से उठा करके इस मैनिफेस्टो में लिखा है।